हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ विम्पी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवंबर 2018 का ग्लैम ईगो बॉक्स। और गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि ग्लैमेगो बॉक्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ग्लैमेगो बॉक्स एक मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर आपको हर महीने बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव होते हैं हर महीने। तो गाइज, सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, परचेज लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो प्लीज मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल रंग का बटन है, वहां पर आप प्रेस कीजिए और उसके बाद आएगी एक नोटिफिकेशन बेल, उस पर आप जरूर हिट कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली जो वीडियोज हैं वो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए जल्दी से हम देखेंगे ये वीडियो। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 फैक्ट्स अबाउट मी, मतलब मैं अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होंगी। तो गाइज, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि मेरे चैनल का नाम है विम्पिलिशियस ब्यूटी। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि विम्पिलिशियस ब्यूटी, तुम्हारे माइंड में ये जो नाम है वो कैसे आया, तुम अपना नाम भी तो रख ही सकती थी। लेकिन गाइज, जब कुछ 1.5 साल पहले मैं सोच रही थी अपना यूट्यूब चैनल खोलने का, तो मतलब मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा नाम रखूं जिससे मेरा नाम भी बीच में आए। मुझे थोड़ा सा अलग चाहिए था अपने नाम से। मैं चाहती थी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है थोड़ा सा अलग हो, मेरे नाम से मिलता जुलता हो बट थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो मुझे मतलब एक वर्ड दिखा, डिलीशियस। तो मुझे लगा कि विम्पिलिशियस, डिलीशियस, तो इन वर्ड्स को मैंने थोड़ा सा आपस में मिला दिया। सो बस इसी चीज़ को लेकर विम्पिलिशियस जो है वो वर्ड बन गया। और मेरा जो चैनल है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए बस मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया विम्पिलिशियस ब्यूटी। थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पढ़ने में भी थोड़ा सा लोग पहले सोचते हैं कि लिखा क्या है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे कि थोड़ा आसान नाम मुझे ढूंढना चाहिए था। लेकिन अभी मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है अपने यूट्यूब चैनल के नाम को बदलने का। और सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो मेरा जो नाम है यूट्यूब पर वो है विम्पी सिंह, लेकिन मेरा जो असली नाम है वो है जसप्रीत कौर। जी हाँ, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, प्योर पंजाबी फैमिली से हूँ। थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी फेवरेट डिश। जान चुके हैं कि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी फेवरेट डिश होगी राजमा चावल। इस दुनिया में या फिर इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें राजमा चावल बिल्कुल नहीं पसंद, और पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जिन्हें राजमा चावल नहीं पसंद। तो मेरी फेवरेट जो डिश है वो है राजमा चावल। फोर्थ पॉइंट जो कि थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है आप सबके लिए, मैं 25 ईयर्स की हूँ, और मतलब ये शॉकिंग नहीं है जो आगे बता रही हूँ वो शॉकिंग हो सकता है। मैं 25 ईयर्स की हूँ और गाइज सीरियसली मैं आज तक कभी भी मूवी देखने नहीं गई हूँ। सीरियसली, मतलब आपको शायद अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने या फिर कहीं हैंग आउट, नाइट आउट, क्लब्स, ये वो, मतलब मैं आज तक कभी नहीं गई। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग क्लब जाते हैं या नाइट आउट पार्टी पर जाते हैं वो गलत होते हैं, डेफिनेटली नहीं होते। लेकिन मैं बस आपके साथ कुछ चीज़ें अपने बारे में शेयर कर कि मैं आज तक कभी भी मूवीज़ देखने नहीं गई हूँ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने नहीं गई हूँ। तो गाइस, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आई लव मेकअप, मतलब मुझे मेकअप वेयर करना बेहद पसंद है। शुरुआत में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब आप देखेंगे शुरुआत में मेरा मतलब मेरी वीडियोस बिल्कुल ही बेकार हुआ करती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की डेट में बहुत अच्छी होती है मेरी वीडियोस, डेफिनेटली ठीक ठीक रहती है मेरी वीडियोस, और ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता ही है। और मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेकअप खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेकअप की बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बात यह है कि मुझे मेकअप आता नहीं है, और उसके बावजूद
ओवर कॉन्फिडेंट देखो मेरा कि मैं उसके बावजूद भी मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. मुझे पता है वो ज़्यादा मेकअप जो है के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं होते हैं. मतलब अभी मुझे 30-40% जो है मुझे मेकअप करना आता है. प्रॉब्लम आ जाती है आई मेकअप करने पर. जो बाकी ब्यूटी गुरुज हैं उनको देख देख कर ही मैं मेकअप सीख रही हूँ. मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं डेफिनेटली मैं मेकअप सीखना चाहती हूँ और मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो गाइस बस यही थे कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स मेरे बारे में जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए. और गाइस अब टाइम है 5 ग्लैमेगो फैक्ट्स को शेयर करने का. तो पहला जो पॉइंट है वो है 100% ओरिजिनल एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत सही बात है. आपको ग्लैमेगो बॉक्स के अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और 100% आपको वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रोडक्ट सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड्स ओनली. थर्ड पॉइंट इज includes products which can be used every day. जैसे कि ये लोशन है जो कि हम रोज़ाना बेसिस पर यूज़ करते हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं, हमें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है. तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है lakhs of happy and satisfied customers all over India. मैं भी सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल ग्लैमेगो बॉक्स से क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके. तो पाँचवा और आखिरी पॉइंट है गेट मोर देन 4 टाइम्स ऑफ वट यू पे. सो गाइज ये थे 5 ग्लैमेगो फैक्ट्स. तो चलिए गाइज अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग नवंबर 2018 ग्लैमेगो बॉक्स की. तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए, काफ़ी खूबसूरत सी पैकेजिंग है इसकी हमेशा की तरह ही. और जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ यहाँ पर है एक मैग्नेटिक लॉक जिसे आप बाद में बहुत ही आसानी से रीयूज भी कर सकते हैं अपने मेकअप ब्रशेज के लिए. छोटे छोटे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो ब्लैक कलर की यहाँ पे कुछ फिनिश हुआ करती थी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मुझे नज़र आ रहा है. तो थोड़ा बहुत चेंज किया है यहाँ पर ग्लैमेगो ने जो कि बहुत ही अच्छा एक चेंज है. और यहाँ पर मुझे मिलते हैं 2 इन्फॉर्मेशनल कार्ड जिसके बारे में हम अभी मैं आपको बताऊंगी. और ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे मिले हैं. तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं इस बार. पहला जो प्रोडक्ट है वो है बेला वोस्ते लिक्विड लिपस्टिक कलर ऑफ योर चॉइस. जब आप नवंबर मंथ में करेंगे इस बॉक्स को सब्सक्राइब या फिर आप इसे परचेज करेंगे तो फिर आपको एक मेल रिसीव होगा जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि आपको लिक्विड लिपस्टिक का कौन सा शेड चाहिए. तो आप अपने मनपसंद से जो भी आपको शेड पसंद हो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं. और इस लिपस्टिक का जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़. और ये लिपस्टिक आप देख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर आई है, कार्टन बॉक्स है इसका. और जैसे ही मैं इसे खोल रही हूँ तो आप देख सकते हैं लिक्विड लिपस्टिक है ये. शायद ये मेरे टॉप के साथ थोड़ी थोड़ी मैच भी हो रही है. और इसका जो शेड है वो है 06 वाइल्ड चाइल्ड. और इसका मैं एक स्वॉच भी दिखा देती हूँ और ये मेरे लिप्स पर कैसे लगेगी वो अभी आप देख सकते हैं. पहले आप इसका एक स्वॉच भी देख लीजिए. तो ये जो लिपस्टिक है ये मैट लिपस्टिक है. थोड़ी देर आप इसे ड्राई होने दीजिए और ये थोड़ी देर बाद मैट हो जाएगी. तो काफ़ी अच्छा है ये शेड जो है. तो ये है बेला वोस्ते की लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिक्विड लिपस्टिक. नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो है ये एक्टिवेटेड चारकोल टूथ पाउडर. काफ़ी एक नई सी चीज़ मुझे पहली बार देखने को मिली है ये. ये है हेल्थविट से जो कि नेचुरल टीथ वाइटनिंग के लिए है. मतलब ये एक पाउडर है, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल जो है आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये सील पैक्ड है, मैंने इसे खोला नहीं है अभी तक, यूज़ भी नहीं किया. तो ये ब्लैक कलर का पाउडर ही होगा इसके अंदर. तो रिव्यू है वो मैं शायद ले आऊँ अपने चैनल पर. और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़. नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे जो कि है बायोब्लूम से वाटर लिली बॉडी मिस्ट. और इसका जो प्राइस है वो है 450 रुपीज़. ये जो बॉडी मिस्ट है ये पहले भी मुझे इसी बॉक्स के अंदर रिसीव हो चुका है, लेकिन वो जो था उसका वेरिएंट अलग था. ये जो है इसका जो वेरिएंट है वो है वाटर लिली. तो उसकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. इसकी देखते हैं कैसी है.
इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा लाइट है, आई थिंक वेट इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा लाइट है और काफ़ी अच्छी है, मतलब सरदर्द करने वाली खुशबू नहीं है इसकी, तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सेसा हेयर स्पा किट। ये जो है मुझे पहले भी रिसीव हुआ है इसी बॉक्स के अंदर और मैं इसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, थोड़े दिन पहले ही मैंने इसका रिव्यू किया है। अगर आपने वो रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़, और ये मेन वुमेन दोनों इस्तेमाल इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो कि लास्ट प्रोडक्ट है, इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन एज अ गिफ्ट मिला है, पाल्मर्स का बॉडी लोशन सैंपल है ये, और कोको बटर फॉर्मूला है विद विटामिन ई, क्योंकि आप जानते हैं अभी तो विंटर्स आ रही हैं और हमारे हाथ पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कि इसकी खुशबू कैसी है, इसकी जो खुशबू है बिल्कुल बटरस्कॉच आइसक्रीम जैसी है, और इसका जो टेक्सचर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कलर ऑफ वाइट है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, अच्छा भी लग रहा है, खुशबू इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बटरस्कॉच नहीं आई थिंक इसकी खुशबू चॉकलेट जैसी है, जी हाँ बिल्कुल इसकी खुशबू चॉकलेट जैसी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत सूदिंग सी खुशबू है इसकी। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई थी, और यहाँ ये मेरा बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है, और यहाँ लिखा है इंडियाज़ नंबर वन ब्यूटी बॉक्स, जो कि बिल्कुल सच है। तो बस यही सारी चीज़ें थी मेरे बॉक्स के अंदर, थैंक यू सो मच। अगर आप इस बॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक कीजिए और अपने लिए बुक कीजिए, ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।